अगर आप देख सकते हैं ना लाइट में, मेरे यहाँ पे रेड हुआ पड़ा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे ना लग रहा है कि स्किन में आके चुभ रही है ठंड। एनीवेज गाइस, वेलकम टू द वीडियो। ये ऊपर अटका हुआ है, साढ़े तो बहुत ज्यादा है ठंड मम्मा, -22 है पता, फील्स लाइक भी -22 तुसी आए ला लो, बस भी फ्रिज नू अपने नू बाला ज्यादा ठंडा कर दो। मैं कल तो बाहर ही नहीं निकलिया, मैं निकली अज सवेरे काम सीगा, उस तो बाद मैं अंदर ही बैठा रहा, तो फिर मैं आई से मैं बाहर जाके करना भी की है, पर फिर ऐ भी हो जाता भी सारा टाइम अंदर भी नहीं रहना, ओही हीट दे विच ओही ओदे विच पासा पासा सराउंडिंग्स। आहो कुदरती हवा तो चाहिए ही है, चाहे ठंड जेही जी होवे, चाहे ठंड होवे, चाहे गर्मी होवे, नैचुरल चीज चाहिदी चाहिदी है। साडे नूं मम्मी पता है सड़कां ते आए लगदा जिवें ना आटा सिटिया हुंदा या कोई चिट्टा पाउडर सिटिया हुंदा, जेड़ा घा ना मम्मी घा ते ना जिवें ना सच्ची तू बुक भर भर के ना आटा सिटिया हुंदा, सच्ची घा ते आए लग रहा है। तड़के मम्मी 7 बजे काम होता, ठीक है ते ब्रेक च बस ओही गल आ जाती है ना मम्मी, ब्रेक च तो पहला मैं पैक होने ते ला दूँ ते आपदी टोपी टूपी दस्ताने दस्तूने पाउण ते टाइम बस ओदे ही देखदा हुन्ना, उदों फिर मैनू आए हुंदा ना मम्मी हजे घरे कोई आया नहीं हैगा ता मैं ओनी देर वो कर ला आपदा योगा वगैरह कर ला घरे या आपदे काम कुम निबेड़ ला। तू बाद ना ले कर बेटे आ जा ठीक है, गली च तो 6 बजे ना ले कर पर मैं और की टाइम ता आप ही कटना हुंदा फिर काम ने मेड के 6 बजे ला ले कर पर की गली गली च ला ले कर दूर ना जावे ठंडे करके च पर आजकल कोरोना करके। हां मैं तो हूं भी गली च ही हूं मम्मी, मैं कड़ा बाहर कि गया चलो ठीक है भाई सो जो बाय ठीक है नहीं करता चंग बाय ठीक है ओके बाय। मम्मी से सुना बात क्या हुई, ठंड बहुत ज़्यादा इंडिया में और मम्मी की इंस्ट्रक्शंस हैं कि बाहर नहीं जाना और जो बाहर से आए उसके साथ 3 दिन तक बोलना नहीं है या साथ नहीं बैठना, ये मम्मी के लॉजिक है। बट एनीवेज दैट्स गुड फॉर अस कि मम्मी केयर करती है बहुत ज़्यादा,
स्पेशल फील होता है। और अगर कई बार मैं मम्मी को कॉल ना करूँ, मम्मी ऐसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाती है कि मैं देखती हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ पे हैं, एंड शी इज़ लाइक मैं देखती हूँ मेरे को कॉल कर करते हो तुम लोग या नहीं, या मैं ही ऑलवेज तुम लोगों को कॉल करती हूँ। हाँ सो गाइस, रही बार ठंड की, ठंड जैसे दिखाया है इट फील्स लाइक -22। और मेरे ये जो ग्लव्स हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और इसके अंदर तक ठंड लग रही है मेरे को। पर क्वेश्चन ये है कि मैं अभी रात के 9 बजे मैं बाहर कर क्या रही हूँ। सुबह मेरा 7 बजे काम है, 7 से 3:30 बजे तक, और उसके बाद से मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकली और अंदर रह रह के थोड़ा सा वियर्ड होने लग जाता है। पर मेरे को होता है कि मैं बाहर एक कुदरती हवा लूँ और थोड़ा सा नेचर के साथ टच में रहूँ, चाहे बाहर मौसम जितना भी गर्म है या जितना भी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि ये नेचुरल है। अंदर जो इन्वायरमेंट है ना वो क्रिएट किया हुआ है और वो अननेचुरल है। तो जो नेचुरल चीज़ है ना वो जितनी जैसी मर्जी हो वो आपके लिए हेल्दी ही होती है। और लॉकडाउन लग चुका है, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, जिम्स, थिएटर्स, ये गेम्स वाली एक्टिविटीज़ वाली जो जगहें हैं ये सब बंद हो गई हैं, डाइन इन बंद हो चुका है, रेस्टोरेंट्स में ओनली पिकअप है या डिलीवरी है। और एक और चीज़, जिन लोगों ने दो दो वैक्सीन शॉट्स लिए हैं ना उनको अभी वैक्सीन प्रूफ देख के अंदर नहीं आने देते। आपको एक QR कोड होता है जो गवर्नमेंट ने जनरेट किया है, QR कोड लेने के लिए आपको अपना हेल्थ कार्ड डालना है, हेल्थ कार्ड जो आपको मिला हुआ है उसका नंबर डालना है और आपको एक QR एक कोड मिल जाएगा, कोड नहीं QR कोड टाइप्स मिल जाएगा। तो आपको जहाँ कहीं भी जाना है वो दिखा के जाना है, क्योंकि वो आपका स्कैन होगा, उससे प्रूव होगा कि आप सेफ। अभी एक और प्रॉब्लम कि कई लोगों का QR कोड, जैसे मेरा QR कोड, मैंने और भी देखे हैं जिनका QR कोड डाउनलोड नहीं हो रहा था, जनरेट ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो तुम्हारे हेल्थ कार्ड से अटैच नहीं था। तो इसका भी कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ कॉल करना है जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल से नंबर मिल जाता है, आपको कॉल करना है और वो आपका हेल्थ कार्ड है वो लिंक कर देंगे और आपको ऐसे QR कोड मिल जाएगा। सो गाइस, अभी आज के लिए इतना ही, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही, ठंड बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अगर मैं बोलूँ ना ठंड बहुत ज़्यादा है आपको फील नहीं होगा, मैं अपनी फील बताऊँ, ये टाइम यहाँ पे खड़े होना मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है बट एक ना यूनिकनेस जो फील होती है ना, कि पूरी गली में कोई नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मैंने कॉन्शियसली कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ठंड ना लगे। और ये जो एक्सपीरियंस है ना ये सारी चीज़ करने का, ये मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है कि ऐसे पैक वैक होके मैं बाहर जा रही हूँ और फिर अंदर आ रही हूँ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।